हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो अभी हम लोग यहाँ हैं रामनगर में और इतनी तेज़ बारिश हो रही है, रेनकोट पहन के हम लोग खड़े हैं क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि भाभी घर जाने वाली है, तो भाभी घर चली गई और हमने भाभी के साथ ही जाके राखी खरीदी थी भाभी के लिए, वो हम देना भूल गए। तो अभी उनकी कोई फ्रेंड है जो यहाँ से देहरादून जाने वाली है, तो हम उन्हें राखी देने आए हैं और देखो हमारी हालत। तो अभी हमने उन्हें जस्ट कॉल किया है, तो अभी हम जा रहे हैं उन्हें राखी देने के लिए। चले तो अभी हम लोगों को ना कुछ चीज़ें लेनी हैं छुटर पुटर सी, तो अभी हम लोग वो ले लेते हैं। कैसा चाहिए? डिफरेंट हो, शेप बिल्कुल डिफरेंट हो। देख हमें पता था राखी आने वाली है, कितने दिन से सब तैयारी चल रही है ना, बट अभी लास्ट डे पे हमें चाहिए एयरिंग्स ड्रेस की मैचिंग की। यही हम लड़कियों की खासियत होती है। वाओ, ये वाले कितने प्यारे लग रहे हैं ब्लू कलर। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं घर और हमारी छुटर पुटर चीज़ें मैं आपको दिखाती थी हम क्या लेके आए हैं। सो मैंने अपने लिए लिए थे, ऐसे दिखा देती हूँ, ये मैं अपने लिए बैंगल्स लेके आई हूँ चूड़े के साथ पहनने के लिए, और भैया के लिए स्लीपर्स दी थी बट उसका साइज़ उसको आया नहीं अच्छे से, तो वो भी एक्सचेंज करानी पड़ेगी। दीदी ने अपने लिए इयररिंग्स लिए हैं क्योंकि कल जो उसकी ड्रेस है उसकी मैचिंग का उसको इयररिंग चाहिए था, और दिखाई दे रहा। और ये अपने लिए वाला टॉप लेके आई है, ये रहा। सो हम छोटी छोटी ऐसे शॉपिंग करके लिया है और अब हम लंच करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कल की तैयारी। तो उसे देखने के लिए ना मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो अब दिखाते हैं हम कि कल के लिए हमें क्या क्या प्रिपेयर करके रखना है। सो अभी हम वो करेंगे। मम्मी फीकी चाय पीती है और जल्दीबाजी के चक्कर में ना मैंने इसमें चीनी डाल दी है, ऑलमोस्ट बन गई इनकी चाय। तो अभी मैं पहले इन्हें सर्व कर देती हूँ, फिर से मुझे मम्मी के लिए दोबारा चाय बनाने के लिए। सो जल्दीबाजी का काम ख़राब हो गया। और इसके बाद ना हम कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं घर पे कल के लिए, क्योंकि कल रक्षाबंधन है। सो उसकी तैयारी भी हम चाय पीने के बाद करेंगे। टेस्ट करके बताना कैसी है ये। हाँ, थोड़ी और ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आज ठंड है। तो ठीक है, 20 रुपये काट लोगे तुम मेरे इसके लिए। मिठाई चाहिए, बिस्किट होते हैं ना, बिस्किट बिस्किट लेके आ रहे हैं पापा। अच्छा, डोडो का ब्लॉग है, कोई ऐसी सस्ती पार्टी हो गई तो मम्मी के लिए ग्लास में मेरे ग्लास वाली चाहिए। ब्लॉगर इन द हाउस। अब बताओ कैसी बनी है? अच्छी है, बहुत अच्छी। असली जौहरी सोने की पहचान कर सकता है। मस्त अच्छी है। मैंने अभी ससुराल जाके इतनी बार चाय बना चुकी हूँ कि अब मेरी चाय अच्छी बनने लगी। अपने घर में नहीं बनाई ना मम्मी मैंने कभी। उबालता ही नहीं था, मुझे समझ ही नहीं आती थी कि कितनी उबालनी है, और मुझे समझ नहीं आता था कि लोगों को कैसे पता चल जाती है चाय देख के कि ये चाय उबली नहीं है। मैं सोचती थी उबाल तो देती मैंने, मैं ऐसे लेके चल जाती थी। तीन लोगों के लिए बनाओ ना, तो 6 लोगों को बना देंगे। आज की चाय तो बहुत अच्छी थी, बारिश में जैसी चाहिए थी ना वैसे ही सारे वाले। मुझे ऐसा लग रहा है ये लोग मुझे पटा रहे ताकि मैं इनके लिए दोबारा चाय बनाऊं। बहुत अच्छी थी पर मुझे थोड़ी और चाहिए, और क्या, दोबारा थोड़ी कम हो गई।
क्वांटिटी क्योंकि हाँ वैसे तो मैं कुकिंग नहीं करती मतलब दिन में, लेकिन आज जैसे बारिश होती है मुझे लगा आते तो इसलिए मुझे लगा तुम लोग सीधा हो गए। अच्छा मैं ये बोल रही थी कि मैंने अपने व्यूअर्स को बताया कि हम कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं, तो जल्दी चलो और फिर तैयारी करते हैं, तो सबको मिलके करना पड़ेगा। चीनी दे दो और मैं सब अपने अपने काम बनाएगा, तो अली बर्तन धोएगी, जो अभी हमने चाय वाय पी है वो क्लीन करेगी, मैं इसका बैटर तैयार करती हूँ, डव तैयार करती हूँ, और मम्मी मेरे साथ इसको गोल गोल बॉल्स बनवाएगी। गोल गोल तो मैं भी बना, जब भी गोल गोल वाली बात आती है ना मुझे अपना बचपन वाला हाथ याद आ जाता है। और तब तक पापा वापस आ जाएंगे दूध लेने के, तो पापा से हम तलवा देंगे। गुलाब जल है हमारे पास, क्यों गुलाब जल भी तो डलता है उसमें, बिना गुलाब क्या पता ही नहीं चलता उसमें, गुलाब की पंखुड़ी डाल देना। नहीं गुलाब जल डालते हैं उसमें, क्या कहते हैं रसगुल्ले के रस में, तो सगाई में खाए थे ना, जरूरत क्या है। अरे ये मास्टर शेफ है, इनके तो हाथों में गुलाब जल है, इनको क्या पता। मैं यू कर दूंगी बस, गुलाब जल डलता ही डलता है भाई उसमें, और केसर नहीं है। चलो देखो 800 ग्राम चीनी करनी है, तो आप 1 किलो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 किलो चीनी कर दो, मम्मी डालेगी, तो चलो फिर तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये चीनी है, ये अभी पाउडर है। तो भैया की हाई डिमांड पे अभी घर में बनने जा रहे हैं गुलाब जामुन। हाँ भैया नहीं कहा था कि मुझे गुलाब जामुन चाहिए, 3 महीने पहले बोले थे। इसके ना अभी दूध चाहिए जो कि रूम पर टेम्परेचर पे चाहिए, हम चाय पीने के चक्कर में भूल गए, तो निकाल के रख देते। मैंने अपना बर्तन धो दिए हैं और ये लोग भी यहीं बैठे थे तो काम अपना अपना काटा था ना, काट काट के खोले हैं, मैंने मेहनत नहीं लगती बताओ, स्टाइल से हो गया बिल्कुल, चाकू से काटे, मेहनत नहीं लगती। और भैया भी चला गया अपनी चाशनी बनाने, इसे घुमाते रहना पड़ेगा क्या, ये हमारी चाशनी। मेहंदी कब लगाएंगे फिर हम, रात को गोल गोल के बनाने, घुमरो घुमरो वाला, हाँ देखने नहीं है तो मैं नहीं, मत रखना तो डिजाइन बनाने। हाय राम हमारा हीना आर्टिस्ट क्या भागा, दूसरे आर्टिस्ट के भाव बढ़ गए हैं। मैंने तुम्हें उस दिन ही बोला था कि गोल गोल वाला बना देंगे बस, तो भाभी और मैं सोच रहे थे गोल गोल यानी कि तू मंडाला की बात कर रही है, इसने हमें भ्रमित किया गोल 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 के, चांद बना देगी तूने बोला हाँ, इसलिए तो भाभी वहाँ पे तुझे व्हाट्सएप में डिजाइन भेज रही थी, और इसने वो भी पट इग्नोर किया, वही बना देंगे छोटे। क्या मम्मी आप सहमत हो, मम्मी भी लगा लगा के मम्मी ने अच्छा मोनी बनाया, यानी कि मम्मी सहमत नहीं, मम्मी को अपने बहू के हाथ की मेहंदी चाहिए थी। मम्मी मेहंदी लगाते लगाते सो जाती, अभी इसको रेस्ट करने की छोड़ेंगे, अभी बना रहे हम लोग, बना ले हम। ये डाइनिंग टेबल में बैठ गई, नीचे चुप कराना फिर फिर वहाँ पर। अब कब मिलेगा खाने को, कल सुबह, बड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं शुरू कर रही हूँ मम्मी से, अभी तेरा वीडियो बन रहा ना इसलिए हो रहा है ऐसा। मैं साफ करने के लिए कर रही हूँ तो वो निकलती ही जा रही है, मतलब गुस्सा आ रहा है ना मुझे उसके ऊपर, भाभी तो तोड़ देती है उसके कमर आ गए। हमारी बिना तोड़े हमारे हीना आर्टिस्ट के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी मम्मी? हाँ ये तो मेरी बहुत पुरानी वो है आर्टिस्ट, पूरा मतलब बचपन से लगाती है मम्मी, पुरानी वाली नहीं नई वाली की बात। अच्छा और नई वाली के बारे में बताओ। नई वाली तो अपने घर चले गई अभी। मम्मी बहुत दुख के साथ कह रही नई वाली अपने घर चली गई। नहीं लगा ही देते मम्मी ना, आजकल तो रोज लगाती है, हफ्ते हफ्ते निकल जा रही है, अभी कमेटी के वजह से मैंने कहा नहीं लगानी, मुझे काम कर रही थी इस बार।
तो मम्मी के मंडाला नहीं लगा रही है? अच्छे लगा दूंगी मंडाला, मम्मी ने कहा भर के लगा। अच्छा, मम्मी को पूरा भरा हुआ हाथ अच्छा लगता है, तो मम्मी की भरी हुई हाथ वाली लगी। दोस्तों ये हो चुके दोनों पैसे, और ये मेरे को ऐसी टकाने वाली है बुमरो बुमरो लगा के। मैं खुद भी अपना बुमरो ही लगाऊंगी। बड़ी वाली बेटी तो मेरे बचपन से लगाती है, कब से ना वही दसवीं, पर छोटी वाली तो ये मैं कट कर दूंगी। छोटा ये मेरी बात हो रही है और मैं इस वीडियो को कट कर दूंगी। थोड़ा सा लगाएगी और फिर बिगाड़ बिगाड़ के लगाऊंगी। ये मेरी घनघोर बेइज्जती हो चुकी है, इसको तो मुझे काटना ही पड़ेगा। क्या हो रहा है मम्मी, क्यों कर रही है? दोस्तों दूध का दूध और पानी का पानी आपके साथ है। ये मम्मी ने इसकी झूठी तारीफ की, देख रहे हो आप? अच्छा दिखा, बिगाड़ दिखा, 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 दिखा। अभी तो मैंने कर दिया ना इसको काम। ये देखो देखो दोस्तों तुम नहीं क्या हो रहा है बताओ, ये भी राखी के लिए तैयार हो रखी है। अरे कितनी स्पीड से निकल रही है वो, इतने टाइम इनके दो दो लफ्ज दो चार लफ्ज तारीफ किया हुई, इनके डिजाइन यहाँ बिगड़ने लग गए। ये मैच नहीं कर पा रहे इसको, क्या कहते हैं, मेहंदी की स्पीड को टक्कर नहीं दे पा रहे। तो यहाँ पे मम्मी की मेहंदी कंप्लीट हो गई है, और जैसा मम्मी को पसंद था अपना भरा भरा सा हाथ मेहंदी के साथ, तो दीदी ने बिल्कुल वैसी मेहंदी लगाई थी, उसके बाद उसने अपनी भी लगाई। तो फ्रेंड्स मैं ना इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि राखी के दिन का व्लॉग है वो, मैं इसका सेकेंड पार्ट वो अपलोड करूँगी जल्दी से। और यहाँ पे देखो मेरी भी मेहंदी लग गई है, भूमरो स्टाइल लगाया था दीदी ने, बहुत सिंपल और ईजी होता है और जल्दी से लग जाता है और बहुत प्यारा भी लगता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट के लिए, सो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। बाय।